तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट जेन ऑनटरप्रन में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट स्नेहा जैन तो दोस्तों एक एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए न्यू एपिसोड बट यहां पर आपको बता दें कि हमारा ये वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूएशन में है तो जैसे कि हर एपिसोड में हमारे साथ होते हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस तरह भी लास्ट एपिसोड की तरह हमारे साथ हैं सीए नितेश गुप्ता जी मौजूद जो कि हमारे साथ आज उसी विषय पर और डिटेल में जानकारी देंगे आपको बता दें गुप्ता जी एक प्रतिष्ठित चार्टेड अकाउंटेंट है करने से सरकारी योजना सब्सिडी आदि पर गहन जानकारी सर सर रखते हैं आइए सबसे पहले का स्वागत करते हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में थैंक यू सो मच मैडम थैंक यू सो मच तो आइए दोस्तों आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और फटाफट आपको आज के मेन टॉपिक पर ले जाते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट एपिसोड का जिसमें हमने डिस्कस किया पीएम ईजीपी के बारे में हमने जाना था कि पीएम ईजीपी क्या है सिविल की इम्पोर्टेंस लोन अप्रूवल में कितनी है और पीएम ईजीपी स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सभी मुद्दों पर हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी और हमने ये जाना था कि कैसे हम अपना एप्लीकेशन के चांसेस बैंक से अप्रूव होने के किस तरह से हम उसे बढ़ा सकते हैं तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारा वो वीडियो जरूर देखें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और आई बटन पर भी दे दिया गया है ताकि आज के डिस्कशन शुरू होने से पहले आप उस डिस्कशन को देख सके अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आइए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं जिन जिन ने हमारा पिछला एपिसोड देख लिया है Uh, आज के एपिसोड में सीएम नितेश गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आज हम ले सकते हैं जिससे पीएमईजीपी में बैंक आपका लोन अप्रूव करे तो सर एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ही साथ जो बिजनेस एप्लीकेंट करना चाहते हैं उसकी समझ का लोन अप्रूवल में कितना बड़ा योगदान है आज इस एपिसोड में आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे थैंक यू सो मच मैडम दोबारा से मौका मिला और जो जैसा आपने बताया कि अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इस पर एक डिस्कशन रखा था तो आपने जो क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन में क्योंकि दो पार्ट्स हैं तो एक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए और एक अगर क्या जो एप्लीकेंट है बडिंग एप्लीकेंट जो बिजनेस करना चाहते हैं इसमें तो उनको अगर व्यापार की समझ है तो मैडम मैं पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं तो उस पर पहले अपनी राय देना जरूर चाहता हूं मैं मैडम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपका क्योंकि इसमें इंटरव्यू का मैकेनिज्म है आप एज एप्लीकेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर डीआईसी में आपका एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू में जाने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैरी करती है अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी है तो वो आप मान के चलिए कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन ऑलरेडी आपके इंटरव्यू से पहले क्रिएट हो चुका है तो मेरे आपके दर्शकों को आपके व्यूअर्स को ये राय है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है आपका तो इसको किसी प्रोफेशनल से ही बनवाइए ऑल दो सैम्पल रिपोर्ट वगैरह दी गई हैं लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती काफ़ी सारी टाइम्स पे उतनी अपडेशन नहीं हो पाते हैं तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से अगर इसको बनवाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आपका अच्छा इंप्रेशन देगी और एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्योंकि एज अ प्रमोटर आपका बैकग्राउंड होगा आपका एक्सपीरियंस होगा आपकी क्वालिफिकेशन होगी आपके इस यूनिट में कहा आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्या रॉ मेटेरियल चाहिए होता है आपको इस प्रोजेक्ट के लिए इसके अलावा रॉ मेटेरियल के अलावा लेबर की अवेलेबिलिटी कहां कहां पर है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए जो लेबर आपको चाहिए कौन से लाइसेंसेस परमिशन आपको चाहिए इसके लिए तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप इसमें देते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसके अलावा आप सेल कहाँ करेंगे फिनिश गुड्स को तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट में होंगी इसके अलावा फाइनेंशियल पार्ट की अगर मैं आप बात करूं तो उसमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये होते हैं कि आने वाले पांच साल में आपकी सेल कितनी रहने वाली है आपका प्रॉफिट कितना होगा आप बैंक को रिपेमेंट किस तरीके से करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती हैं तो मेरी अपनी राय यह है कि आपकी जितनी अच्छी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी तो उतना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है वो आपकी अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में जाए और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी एज अ एंटरप्रेनर एज अ बडिंग एंटरप्रेनर एज अ जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो आपके भी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो ऐसा ही नहीं कि प्रोफेशनल ने लिख दिया आपको हेल्प करने में बनाने के लिए लेकिन आपको भी वो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए जो बातें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी गई हैं तो ये तो मैडम आपका जो है वो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका ये पार्ट रहा और दूसरा आपने पूछा था कि बिजनेस की समझ तो मैडम आप खुद ऐसा मान के चलिए कि अगर मैं ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरे पास में ऐसा प्रोस्पेक्टिव बिजनेस करने वाला एप्लीकेट आते हैं जिनका की एक्सपीरियंस है उस प्रोजेक्ट को समझे हुए हैं वो तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे यूनिट के वो सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं तो ऐसे में अगर आपने मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो यूनिट आप लगाना चाह रहे हैं कोशिश करके उसकी कोई ट्रेनिंग जरूर लीजिए ट्रेनिंग अगर नहीं मिल पा रही है तो वैसे यूनिट में उसी तरीके के यूनिट में आप जॉब करके देखिए उस जॉब करने से आपको प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस यूनिट में वो आपको उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे और आप अपने यूनिट को थोड़ा अच्छे से चला पाएंगे तो इसीलिए मैडम ये दोनों चीज है कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो डीपीआर है वो आपकी एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए वो आपके डेफिनेटली एक इम्प्रेशन एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है और अगर आपको अपने बिजनेस की अच्छी समझ है आप पहले से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं कोई ट्रेनिंग लिए हुए हैं या उस तरीके की यूनिट में जॉब किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप ब्रांच जो बैंक मैनेजर हैं, वो उनके लिए कहीं ना कहीं कंफर्ट बढ़ता है और आपका जो लोन है किस तरह से एक सूझबूझ बहुत जरूरी है और साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस फील्ड में पहले एक्सपीरियंस लें ताकि आपको भी समझ हो उस चीज की और आपका बैंक अप्रूवल होना और इजी हो जाए तो सर इसी के साथ ही जो हम अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि एप्लीकेंट को आ, कितनी पूंजी प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से लगानी होती है तथा स्कीम में सब्सिडी की बात करें तो उसका क्या प्रावधान है मैडम देखिए अगेन आपके इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं तो जहां तक पूंजी की बात है तो कैपिटल जो है वो हम इसको इस तरीके से समझें कि इस स्कीम में दो कैटेगरी डिफाइन की गई हैं एक जनरल कैटेगरी एक स्पेशल कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में जो है और जो क्लासीफिकेशन हैं जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैप्ड माइनॉरिटीज हिली स्टेट में रहने वाले लोग तो ये सारे के सारे जो है वो स्पेशल कैटेगरी में हैं तो जो स्पेशल कैटेगरी है इसका अपने प्रोजेक्ट पे फाइव परसेंट मार्जिन स्पेसिफाइड है और जो जनरल कैटेगरी है उसका टेन परसेंट जो है वो उसको पूंजी लगानी पड़ती है मैं आपको इसको भी थोड़ा सा आ, आ, मतलब इसको जिससे कि बहुत आराम से हम लोग समझ लें तो जैसे अगर मान लीजिए सौ रुपए की हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो स्पेशल कैटेगरी में उस सौ रुपए में से पांच रुपए आपको लगाने हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो सौ रुपए में से दस रुपए आपको लगाने हैं और रिमेनिंग जो बैलेंस बचता है सौ रुपए में से अगर पांच रुपए छोड़ के जो बैलेंस बच रहा है पिचानवे रुपए का तो ये बैंक से फंड होता है ये बैंक से आपको लोन के तौर पर मिलेगा तो ये तो हमारा रहा कि एज अ प्रमोटर मेरा कितना मार्जिन है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसी तरीके से क्योंकि आपने इसमें एक सब्सिडी वाली बात भी पूछी है कि इस प्रोजेक्ट को क्योंकि एक सरकार का जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था कि सरकार जो है वो इसमें सब्सिडी के माध्यम से हमारे जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको सपोर्ट देती है इसमें तो उस मामले में बहुत अच्छी स्कीम है तो जो सब्सिडी जो मिलती है वो आप कुछ को भी कुछ तरीके से समझिए कि सब्सिडी के भी दो क्लासिफिकेशन है एक जनरल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी भी अगर अर्बन क्षेत्र में है अगर शहरी क्षेत्र में है तो उसमें क्या है और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसमें क्या है तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर जनरल कैटेगरी में है आप और जनरल कैटेगरी में अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको पंद्रह परसेंट मतलब आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जैसे मान लीजिए अगर ट्वेंटी लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग एरिया में अगर आपका प्रोजेक्ट है तो फिफ्टीन परसेंट उसका तीन लाख रुपया हुआ तो तीन लाख रुपए की आपको जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी में अर्बन एरिया uh, में अगर आप हैं तो सब्सिडी मिलेगी और अगर आप रूरल एरिया में एज अ जनरल कैटेगरी अगर आप रूरल एरिया में सेटअप करते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगी तो इसलिए आप देखिए रूरल एरिया में काफी बड़ा अमाउंट भर जाता है और बीस लाख रुपए की अगर मैं एग्जाम्पल को लू तो उस केस में जो है वो ट्वेंटी जो है उसका पांच लाख रुपए हो जाता है और अगर मैं इसको स्पेशल कैटेगरी के लिए बात करूं तो स्पेशल कैटेगरी और अगर आप अर्बन एरिया में सेटअप करते हैं तो उस केस में ये ट्वेंटी फाइव परसेंट का लाभ मिल सकता है आपको सब्सिडी का और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया में सेटअप करते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 35 परसेंट जो है वो आपको सब्सिडी मिलती है और मैडम मेरा ऐसा मानना है कि ये सब्सिडी के अमाउंट्स बहुत अच्छे अमाउंट्स हैं और आपको आपका इंटरेस्ट कम करने में एक ये बड़ा योगदान देते हैं अगर आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी आपके प्रोजेक्ट पे सेटअप करने के लिए मिलती है तो इसीलिए हमारी ये समझ कि हम किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि हमारा लोन अप्रूव हो जाए क्योंकि इसमें लोन लेना भी आवश्यक है तो इसीलिए हम अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमें सरकार की जो सब्सिडी है उसका भी लाभ ले सकते हैं और हमारा एक उद्यम जो है जिसका हमारा सपना होता है उसको भी हम शुरू कर सकते हैं जी तो तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया जो आज हमारे बडिंग ऑनटरप्रिन्योर्स है जो भी हमारे व्यूअर्स है उनके लिए ये चीज बहुत ही फायदेमंद है किस तरह से वो अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं जो अभी अभी आपने कहा और साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वो भी उनको बहुत अच्छे से मिल सकता है एक बैंक लोन की आ, तरीके से और साथ ही साथ वो सब्सिडी का भी फायदा उठा सकते हैं कितनी पूंजी प्रोजेक्ट में लगानी है अपनी तरफ से उन्हें कितनी लगानी है बैंक कितना फंड करेगी ये सब आपने बहुत ही अच्छे से आज हमारे दर्शकों को बताया तो इसी के साथ हम आगे भी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पीएम में किस टाइप के नेचर ऑफ इंडस्ट्री इसका बेनिफिट ले सकते हैं जी मैडम इसमें हम थोड़ा सा समझें कि इसमें वैसे तो सरकार की जो साइट है जो मतलब पीएमई जीपी की जो साइट है उस ऑफिशियल साइट पे समवेयर अराउंड 300 प्लस नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो आपको दी गई हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में है तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें आप एग्रो को समझिए आप कि अगर आपको बेसन बनाना है आटा बन मतलब गेहूं से आपको आटा बनाना है इसी तरीके से आपको पनीर बनाना है घी बनाना है और भी बहुत सारी चीजें आपको बनाना चिप्स बनाने हैं आपको आलू के चिप्स बनाने हैं तो आपको ऐसे कोई भी चीज जो आपको लगती है कि फूड प्रोसेसिंग की श्रेणी में आती है आपको हनी बनाना है आपको जैम बनाना है आपको टोमेटो सॉस बनाना है तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो आप एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग में ले सकते हैं इसके बाद में जो सेकेंड सेटअप है वो क्वायर बेस्ड इंडस्ट्री तो क्वायर जिसको हम नॉर्मली जो है वो हमारा जो नारियल होता है नारियल की जटा से जो है हम लोग कई बार जो है हम देखते हैं हमारे घरों में झाड़ू होती है जो सफाई के काम में आती है तो अक्सर उसको नारियल झाड़ू बोला जाता है तो आप उसका यूनिट स्थापित कर सकते हैं हम लोगों के घर घरों में डोर मैट्स जो होते हैं पैरदान जिसको बोलते हैं तो भी अक्सर जो है वो नारियल के जो जटा होती है उनके ही होते हैं तो आप उसको बना सकते हैं आप हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड क्वर के कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो क्वायर बेस्ड भी कई सारी इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर सकते हैं इसी तरीके से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज तो इसमें आप लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट का कुछ बना सकते हैं आप लकड़ी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप फर्नीचर्स बना सकते हैं आप जैम का यूनिट ले सकते जैम बना सकते हैं आप जो है वो आ, हनी जिसको शहद बोलते हैं क्योंकि वो भी फॉरेस्ट का ही प्रोड्यूस है आप उसका यूनिट स्थापित कर सकते हैं आप जो है वो बी कीपिंग जो बी कीपिंग बिजनेस है आप फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में ही वो कवर है तो आप उसको कर सकते हैं इसके अलावा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आप लेड पेंसिल का निर्माण कर सकते हैं आप आरसीसी स्पन पाइप को बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के आप खिलौने बना सकते हैं फ्लाई एश ब्रिक जो आज के टाइम का एक अच्छा प्रोजेक्ट है वो आप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में स्थापित कर सकते हैं हैंडमेड पेपर अपने आप में एक ये भी बड़ा जो है वो सेक्टर है जिसमें कि आप कॉरिग्रेटेड बॉक्स जिसको हम गत्ता बोलते हैं आप गत्ता बना सकते हैं आप जो है वो इसी तरीके से वेस्ट से कैसे आप एक अच्छा पेपर का निर्माण कर सकते हैं पेपर बैग आप बना सकते हैं कंपोस्टेबल बैग आप बना सकते हैं इसी तरीके से पॉलीमर और केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में आप साबुन का निर्माण कर सकते हैं शैंपू बना सकते हैं वैक्स बना सकते हैं तो इस तरीके से ये पॉलीमर और केमिकल बेस हो गया और अगर रूरल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं तो रूरल इंजीनियरिंग और बायोटेक में आप वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं और इसके अलावा वुडन फर्नीचर स्टील का फर्नीचर ये सारे आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं और सर्विस सेक्टर में तो मैडम आप अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं आप ढाबा खोलना चाहते हैं आप इस तरीके के जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज हैं तो वो आप कार सर्विस सेंटर आप खोलना चाहते हैं तो इस तरीके के सेटअप्स जो है वो आप सर्विस सेक्टर में तो एक बहुत वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री है जो कि आप इसमें खोल सक, देख सकते हैं और जो पीएमई जीपी की जो साइट है उसमें 300 हंड्रेड प्लस इंडस्ट्रीज का जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन है तो अगर आप वैसी कोई इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं मैडम अमूमन तौर पे जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कुछ तरीके का है कि हम लोग जो है वो मार्केट को नहीं समझते हैं मार्केट में डिमांड क्या है उसको नहीं समझते हैं और एक तरीके से अगर मैंने एक यूनिट लगाया तो उसी को देखा देखी कोई दूसरा यूनिट लगेगा तो ऐसे में क्योंकि बैंकर्स को भी लगता है कि एक ही तरीके का यूनिट एक ही एरिया में अगर कंसनट्रेट होने शुरू हो जाएंगे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो साबुन बनाने का यूनिट एक पर्टिकुलर जगह पर लगाए तो वो जो है वो और सब लोग उसको देखा देखी उसी तरीके का यूनिट लगाएं तो बैंक को भी ऐसे में लोन देना कंफर्टेबल नहीं होगा वो ये समझेंगे कि इतना प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उसको आप सेल कहाँ करेंगे तो हमें अपने प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके एंड यूजर कौन होंगे हम मार्केटिंग कैसे करेंगे उसका मार्केट कहाँ से स्टेब्लिश करेंगे और ये बैंकर को हमें बखूबी समझाना होता है तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं अपने प्रोजेक्ट को 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 आगे लेकर तो डेफिनेटली एक सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं और मैडम अक्सर इंटरव्यू जो डी में जो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जो है वो एक इंटरव्यू होता है आपका उस इंटरव्यू में हम लोग अपने प्रोजेक्ट की जानकारी ही नहीं दे पाते हैं अगर हमने ये कहा कि हमें साबुन बनाना है तो हम यही नहीं बता पाते हैं कि साबुन बनाने के लिए रॉ मेटेरियल क्या लगेगा उसको हम सेल क्या करेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है किस प्राइस पे हम लोग उसको सेल करेंगे तो ऐसे ही सवाल आपसे आपके बिजनेस के बारे में आपके से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अच्छी जानकारी है तो आप अपने इंटरव्यू को भी अच्छे से फेस कर पाएंगे और आप जब भी अपना जो यूनिट लगा रहे हैं उसकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है आपने पहले से काम किया हुआ है तो ऐसे में हर हाल में आप मान के चलिए कि आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं तो मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि क्या यूनिट्स आप स्टेब्लिश कर सकते है और किन चीजों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप इंटरव्यू भी अच्छे से फेस करें और बैंक ब्रांच मैनेजर जो हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट से कन्विंस हो जिससे कि वो आपको लोन देने के लिए तैयार हैं सर तो ना केवल आपने इसके बारे में जानकारी दी है बल्कि आज हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत सारी ऑप्शंस खोल दिए हैं कि इतना वाइड हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो जिसमें भी आप आपको लगे कि स्कोप है आप उसमें अपना हाथ डाल सकते हैं और एक अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ बैंक से अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करवा सकते हैं तो सर आगे बढ़ना चाहेंगे आपसे अब ये जानना चाहेंगे ये तो बात रही किन किन यूनिट्स में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर हम एप्लीकेशन की बात करें लोन के अप्रूव होने में क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं

अप टू टेन लाख रुपीज तक पे आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफर नहीं करनी होती है इस लोन के लिए लेकिन अगर आप कोलेट्रल ऑफर करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंकर का कंफर्ट बढ़ता है और दस लाख के ऊपर तो कोलेट्रल की बैंकर डिमांड कर ही सकते हैं अगर आप तब भी बोलें कि आप सीजीटी एमएससी कवर ही करिए तो वो कहीं ना कहीं बैंकर उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कोलेट्रल अगर आप ऑफर करते हैं तो उससे एक तरीके से ये समझ में आता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं आपको उसकी सफलता पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है आप उसकी सफलता को लेके पूरा भरोसा है आपको तो ऐसे में आप भी अपनी कोलेट्रल ऑफर करते हैं उस प्रोजेक्ट में तो कोलेट्रल आपके पास अगर है तो आप उसको जरूर ऑफर करिए सिक्योरिटी जो है अगर आप तो बैंकर का जो है वो भरोसा आपके ऊपर भरता है इसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट अपना बनवा रहे हैं किसी प्रोफेशनल से तो बहुत अच्छे से ये समझिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो हमारी ना कम हुए ना ज्यादा रहे तो उसमें बड़े अच्छे से हम लोग इस चीज का आकलन करें कि हमें क्या क्या मशीन्स चाहिए हमारी वर्क वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी रहनी है तो ना ये कम होए ना ज्यादा होए इसी तरीके से जो लोन का एलिमेंट है उसको भी हम लोग ये असेस करें अपने प्रोफेशनल से डिस्कशन में कि लोन भी हमारा ना कम रहे ना ज्यादा रहे तो ऐसे में इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उससे हमारे सफलता के चांसेस बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं वो ये है क्योंकि मैंने मार्जिन आपके साथ में शेयर किया था कि उद्यमी का जो मार्जिन है वो स्पेशल कैटेगरी में फाइव परसेंट है और जनरल कैटेगरी में वो टेन परसेंट है मतलब मेरे को इतना ही पैसा लगाना है तो ऐसे में आप देखिए नॉर्मल कोर्स में जो है नॉर्मल इंडस्ट्री में वो ट्वेंटी फाइव परसेंट तक मार्जिन रहता है तो आपका मार्जिन जो है वो पंद्रह से बीस कम है तो आप यही मान के चलिए कि आप एक नॉर्मल इंडस्ट्री लगा रहे हैं उतना पैसा आप अपने हाथ में रखिए जिससे कि अगर शुरुआत की कुछ दिक्कतें आती हैं आपके बिजनेस में तो आप उस पैसे से जो आपने एक रिजर्व बनाया हुआ है अपना उस रिजर्व से आप शुरुआत की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको आप सर्व कर दें बैंक को और बैंक के लिए भी कंफर्टेबल तो अगर मान लीजिए आप उतने पैसे को बैंक के के ब्रांच मैनेजर जो है उनको अगर ये कन्विंस करके रखते हैं कि मैं इतना पैसा आपके पास में ऑलरेडी पहले से जमा करके रख रहा हूं तो आपका और भरोसा उनका बढ़ता है क्योंकि मैडम देखिए लोन जो है वो एक भरोसे का रिलेशन है और अगर एज अ ब्रांच मैनेजर मेरे को ये समझ में आ जाए कि मेरा पैसा जो है वो मिल जाएगा मेरे को आपका यूनिट जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो ऐसे में मेरे को, को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा आपको लोन देने में और अगर मेरे को ये लगता है कि मेरे पैसे की वापसी नहीं होगी और ये शंका अगर रहती है तो मेरे को डेफिनेटली लोन देने में दिक्कत रहेगी तो हमें हर वो स्टेप लेना है कि जिससे कि हम ब्रांच मैनेजर जो जो है जो बैंक के हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उनका ये भरोसा जीते हैं कि मेरे पास में एक्सपीरियंस है मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है मैंने यूनिट को समझ बहुत अच्छी है मेरी जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं जो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूं उसकी समझ है मार्केट अच्छा है मैं उसको सेल कर लूंगा और कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफर अगर मैं कर रहा हूं तो ये सारी वो चीजें हैं जो ब्रांच मैनेजर को भरोसा देती हैं अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो डेफिनेटली मैडम मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और काफी सारे जो लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगती है वो कहीं ना कहीं अपना आकलन नहीं करते हैं एनालिसिस नहीं करते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि क्यों उनका प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट किया हो क्योंकि मैडम आज भी देखिए सौ में से मोटा मोटा अगर मैं दो हजार की बात करूं तो 19 अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू करें तो बिल्कुल सर बातें अगर बेशक हमने थोड़ी देर के लिए की है बट टिप्स आज हमें बहुत बड़ी मिल चुकी हैं और हंड्रेड परसेंट हमारे दर्शकों को, को इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है आज जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं आई एम श्योर वो इसका बेनिफिट जरूर उठाने वाले हैं सर so, क्योंकि हम इस एपिसोड के अंत में आ चुके हैं यानी हमारे सेकंड एपिसोड एपिसोड के के अंत में लास्ट जो हमारा था वो ऊपर था और आज जो हमने बात करी वो और ज्यादा डिटेलिंग हमने इस बारे में करी तो आपसे आज यही पूछना चाहेंगे जाते जाते कि इस स्कीम की अभी तक की सक्सेस और फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो आप उसे कैसे देखते हैं जी मैडम मैडम एक्चुअली अभी तक का अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट पिछले पांच साल में 3.15 लाख यूनिट्स लग चुके हैं इस स्कीम में और परोक्ष परोक्ष रूप से आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 30 लाख जो है वो लोगों को इसका एम्प्लॉयमेंट के तौर पर फायदा हुआ है क्योंकि स्कीम पुरानी है तो पुराने डेटास भी अवेलेबल हैं, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपसे केवल पिछले पांच वर्षों की बात कर रहा हूं और अगर हम इसमें ये देखें कि पिछले दो साल में सक्सेस रेट भी बढ़ी है जो अमूमन चौदह साढ़े चौदह पंद्रह परसेंट के आसपास होती थी वो ऑलमोस्ट एटीन नाइनटीन ट्वेंटी के अराउंड होने हो चुकी है इस वक्त तो ये इसीलिए हो रहा है कि एक अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में लोगों में जानकारी आई है और लोगों को समझ में आया है कि, कि किस तरीके से हम लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं तो मैडम आउटलुक बहुत अच्छा है इस जो गवर्नमेंट की स्कीम है गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है छोटे छोटे रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस स्कीम में सब्सिडी के फॉर्म में तो इसलिए फ्यूचर भी बहुत अच्छा है स्कीम का तो आपके दर्शकों से या आपके व्यूअर्स से जो है वो मैं यही अपील करता हूं कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया वो अपने उन चीजों को समझें और अपने आप में उन चीजों को उतारें अपने आप में तो डेफिनेटली आप जो 100 में से 20 लोगों को जो सफलता मिल रही है तो उस 20% में आपका भी नंबर हो सकता है तो मैडम यही मैं इस स्कीम के बारे में आपके साथ में जो मेरे व्यूज हैं वो शेयर करना चाहता हूं जी थैंक यू सो मच सर अनडाउली आज का ये एपिसोड हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा होगा इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ क्योंकि आज जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स टिप्स देते हुए वो हमारे दर्शकों के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं तो दर्शकों आपको बता दें ये जो हमारा एपिसोड था जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ और इस पर uh, मैं स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो हमारा एपिसोड है ये कंटिन्यूएशन है हमारे फर्स्ट पार्ट के एपिसोड में ताकि आप इसे मिस ना करें तो हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि पीएमईजीपी क्या है सिविल की इम्पोर्टेंस लोन अप्रूवल में कितनी होती है और पीएमई स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी थी और इस एपिसोड में हमने बात करी इंपॉर्टेंट स्टेप्स की जो आप ले सकते हैं पीएमईजीपी में बैंक आपका लोन अप्रूव कर दे उसके लिए तो आज हमने बहुत ही अच्छे से हमारे एक्सपर्ट सी नितेश गुप्ता जी से जाना कि किस तरह से आपका बैंक जो है वो लोन अप्रूव कर देगा इस स्टेप्स को हमने जाना और अगर आप ये ढंग से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका भी जो सपना है वो जरूर पूरा होगा तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें कमेंट करना ना भूले शेयर करें और अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको समझनी है या हमारे एक्सपर्ट जो है सी नितेश गुप्ता जी से आपको जाननी है तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसके अलावा हमारी ई मेल पर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जो भी सही जवाब है उसको लेकर वापिस हाजिर होंगे तो इसी के साथ एपिसोड में फिलहाल इतना ही और हाँ अगर अभी भी आपने हमारा बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस कर दे नहीं तो आप हमारी तो, तो दर्शकों को अवगत करने के लिए थैंक यू सो मच मैडम मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपके इस मंच पर आकर और आपके इस प्लेटफॉर्म पर जो मेरी जानकारी है उसको आपके दर्शकों के लिए अगर वो फायदेमंद हो तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच